गोपालगंज जिले के जोधपुर थाना क्षेत्र के बगहा गांव में अज्ञात बदमाशों ने रविवार की रात एक किसान की जमीन पर लगे 40 पेड़ों को काट दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित स्थानीय किसान गोरखनाथ शाह अपनी जमीन पर 32 लीची के और 8 सागवान के पेड़ लगाए थे। इसकी देखरेख करने के लिए गांव के ही किसी व्यक्ति को रखे थे, मगर वह किसी काम से गांव से बाहर गया था, तभी रविवार की रात अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से सभी पेड़ों को काट दिया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही छानबीन में जुट गई। वहीं पीड़ित किसान ने गांव के ही कुछ लोगों पर व्यक्तिगत दुश्मनी को लेकर पेड़ काटने का आरोप लगाया है। ये 10 कट्ठा खेत हमारा अपना निजी खेत है, इसमें हम 32 पेड़ लीची का लगाए थे 3 साल पहले। ये सावन जो बीता है समझिए कि 3 साल पूरा हो गया, अब 3 साल से ज़्यादा ही हो गया। अब किसी को क्या हमसे विवाद था, अज्ञात आदमी वो पूरा 32 पेड़ धारदार हथियार से काट के गिरा दिया, पूरा एक भी पेड़ नहीं छोड़ा है। 5-6 पेड़ सागवान अभी इस साल हम लगवाए थे, वो सागवान में भी 5-6 पेड़ काट के गिरा दिया है। आज 2-3 दिन हुआ वो चले गए डियर खरे काटने के लिए, इसके बाद हम लोग सुबह आए देखे तो सारा 32 का 32 पेड़ और 6 सागवान यहाँ सब काट कर गिरा दिया गया है। जो भी पुलिस है अधिकारी है इसमें कार्रवाई करें। किट्टू पांडे, न्यूज लाइव, गोपालगंज। लेकिन अपना